सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है अर्थेश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। तो कहीं ना कहीं जब कल की खबर है, जब मैं आपको बताई थी ये चीज़ कि जो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का डिवोर्स का रिमर्स पार्क हो रहा था, उसको कैसे इनडायरेक्टली ऐश्वर्या राय ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनको बताया लोगों को अपनी वेडिंग रिंग अपनी उंगली में पहन के। जी हाँ, वहीं से रिलेटेड, जी हाँ, बात करूँ लॉरियल फैशन वीक से रिलेटेड जो पैरिस में हो रहा है, वहाँ से रिलेटेड एक और खबर आ रही है जहाँ पे आलिया भट्ट भी पहुँच चुकी हैं एज अ, उनको वो भी लॉरियल के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके 2024 की। तो और मॉडल के साथ वो भी, और जो मॉडल्स हैं एम्बेसडर्स हैं उनके साथ वो भी वहाँ पहुँच गई रैम्बो करने के लिए। जी हाँ, मंडे को उन्होंने इतनी सारी फोटो शेयर की अपने फेलो मॉडल्स के साथ एंड साथ ही सोलो पिक्चर्स भी। तो बात करूँ, काफ़ी स्ले कर रही हैं वो सिल्वर एंड ब्लैक कलर की ड्रेस में, बता दूं तो फैंस काफी ज्यादा खुश है। बट कहीं ना कहीं जब एक बात करते हैं हम अच्छी चीजों की, तो उसके बाद 2% 4% बुराई भी आती है। तो वही बुराई कमेंट सेक्शन में दिखाई दी, जहां पे कुछ लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं, जहां पे कुछ लोग उनके मेंटर जो करण जौहर है उनके रिलेटेड बोला कि जो भी करण जौहर है उनको मूवीज लाके दे सकते हैं, बट जो रैम वॉक पे जो कॉन्फिडेंस होता है वो सब वो कोई लाके नहीं दे सकता उनको। कहीं ना कहीं लोगों ने ट्रोल किया कि उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छी रैम वॉक नहीं किया, लोगों का कहना ये है। बट कुछ लोग उनको डिफेंड भी कर रहे हैं कि कितना सैड है देखना ये कि एज अ इंडियन, जो एक इंडियन लड़की अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है पेरिस में जाके, तो वहाँ पे जाके भी इतने बड़े मुकाम पे स्तर पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद भी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कह के उन्होंने अच्छा नहीं किया है या फिर वो उनसे बेटर नहीं है, इनसे बेटर नहीं है, बहुत वहाँ पे और ही फेलो मॉडल्स उनसे कंपेयर किया जा रहा है। बात करूँ साथ में ऐश्वर्या राय भी थी, जहाँ पे बैक स्टेज उनकी हमने फोटोज भी देखी थी, जहाँ पे वो मेकअप रूम है वहाँ पे आजू बाजू बैठ के तैयार हो रहे थे आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय, एंड काफ़ी सारी फोटोज आलिया भट्ट ने शेयर किए हैं उस पर। जैसे मैंने आपको बताया था, काफ़ी ट्रोलिंग भी हो रही है, काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। अगर आपने फोटोज और वीडियोज देखी है तो आपकी क्या राय उस पर बताना मेरे कमेंट सेक्शन में, एंड आपको कैसी ड्रेस लगी ऐश्वर्या राय की और आलिया भट्ट की मुझे बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। एंड फाइनली 11 अक्टूबर को आलिया भट्ट की जिगरा भी रिलीज होने वाली है, जिसके लिए भी फैंस ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं वो भी बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। एंड ऐसी न्यूज़ के लिए देखते रहिए मुझे यानी बॉलीवुड हेल्पलाइन को। थैंक यू सो मच।